कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों, COVID-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं, जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए, आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा के सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। दूसरी इकाई का जो छठा पाठ है, स्वास्थ्य संपदा, इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया एक पत्र है, तो आइए देखते हैं गांधी जी ने किसको पत्र लिखा है। आइए इस पाठ के लेखक जो है महात्मा गांधी, इनके बारे में जान लेते हैं। आप सभी तो इन्हें पहचानते हैं, फिर भी एक बार विस्तार से जानकारी लेते हैं। आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में गुजरात में हुआ। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। स्वास्थ्य संपदा, लेखक है महात्मा गांधी। हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो ही हम जीवन की सारी चीजों का मजा ले सकेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और प्राणायाम करना चाहिए। तो आज का हमारा जो पाठ है स्वास्थ्य संपदा, तो स्वास्थ्य इसका मतलब है आरोग्य और संपदा इसका मतलब है संपत्ति। तो आओ आगे पाठ पढ़ते हैं। चिरंजीव जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं, उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। तो देखो, यहाँ गांधी जी ने जमनालाल को पत्र लिखा है और जमनालाल का पत्र अभी अभी उनके हाथ लगा है। उन्होंने उस पत्र को पढ़ा है और उस पत्र का वे जवाब लिख रहे हैं। तो आगे जमनालाल का जन्म दिवस यानी वर्षगांठ है, सालगिरह है, तो अभी से गांधी जी उन्हें आशीर्वाद टोकरियों भर में भेज रहे हैं। तो स्वास्थ्य इस बारे में गांधी जी ने जमनालाल को जो कुछ बातें बताई थी, उन पर गांधी जी स्वयं दृढ़ है, दृढ़ यानी निश्चय। तो वह कह रहे हैं जमनालाल से कि तुम्हें अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं। तो यहाँ जमनालाल जी है, कौन है ये जमनालाल और गांधी जी का और उनका क्या रिश्ता है, इसके बारे में भी
मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं तो आओ देखते हैं। ये है गांधी जी और जमनालाल, आइए इनके बारे में जानते हैं। जमनालाल बजाज भारत के एक उद्योगपति थे, महात्मा गांधी के अनुयायी और उनके बहुत करीबी व्यक्ति थे। गांधी जी ने उन्हें अपने पुत्र की तरह माना था। भारत में जमनालाल बजाज जैसे पूंजीपति होते हुए भी उन्होंने त्याग और समाज सेवा का उदाहरण स्वयं के माध्यम से दिखाया। महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे लोग उनके साथ पारिवारिक सदस्य के रूप में घुल मिल गए थे। महात्मा गांधी के रूप में जमनालाल को अपना गुरु मिल चुका था। उन्होंने पूरी तरह से गांधी जी को अपना सर्वस्व समर्पित किया था, तो दोनों में बहुत ही नजदीकी थी। आओ आगे का पाठ पढ़ते हैं। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। देखो गांधी जी यहाँ जमनालाल को अच्छे सेहत के लिए क्या करना चाहिए यह बता रहे हैं। हमारा अपना शरीर हमारी अपनी संपत्ति है, हमारी अमानत है। उसकी यथासंभव यानी जितनी हो सके उतनी रक्षा करनी चाहिए। हमारे शरीर की रक्षा करने वाले हम खुद ही रक्षक हैं, रक्षक यानी रक्षा करने वाले। गांधी जी बता रहे हैं कि मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना लो, डली यानी छोटा सा टुकड़ा, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं है। उद्वेग यानी प्रबलता या आवेश। जैसे हमें भूख लगती है तो जब भूख लगती है तो हमें भोजन ही चाहिए होता है। भूख से हम तिलमिला जाते हैं तो हमें भोजन की ही जरूरत होती है, भोजन ग्रहण करने की ही आवश्यकता होती है। लेकिन फल खाने के लिए ऐसी उद्वेग की प्रबलता की कोई आवश्यकता नहीं। वह कभी भी फल खाए जा सकते हैं। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। जो खाना जो चीजें हमारे लिए अच्छी है वह औरों को भी खिलाई जा सकती है, खिलाना चाहिए। आओ आगे पाठ पढ़ते हैं। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। तो देखो यहाँ गांधी जी बता रहे हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने बताया है कि जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की कोई जरूरत नहीं है और गुड़ को तो बिल्कुल छोड़ देना उचित है। उचित यानी योग्य है। हमारे शरीर को ज्यादा गुड़ की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी इसके गुड़ के बदले निर्दोष निर्दोष यानी जिसमें कोई दोष नहीं है ऐसा शुद्ध शहद लेना अच्छी बात है। लेकिन जब तक मीठे फल खाने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं तो इस शहद की भी हमें जरूरत नहीं होती है। लेकिन दूध की मात्रा को हर रोज बढ़ाना अच्छी बात है, यह बात गांधी जी बता रहे हैं।
आओ आगे पाठ पढ़ते हैं। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह तीखी है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं, वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है, और जितनी होगी सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन, दूध काफी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन अथवा दूध या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तो यह बात गांधी जी बता रहे हैं। यहाँ जैतून का तेल यानी ऑलिव का तेल, ये जो ऑलिव के फल है उसमें जो बीज होते हैं, उस बीज के द्वारा ऑलिव तेल निकाला जाता है। हमारे घर में सब्जियां बनाते वक्त सेंगदाना का तेल, तिल का तेल, खोपरे का तेल उपयोग में लाया जाता है। तो ये जैतून जो है, ऑलिव जो है, उसका भी तेल बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जैतून के तेल की जगह मक्खन अगर लेते हो तो वो उससे भी अच्छा है, क्योंकि मक्खन में जो विटामिन होते हैं वो जैतून के तेल में नहीं होते हैं। और गांधी जी यह भी कहते हैं कि दूध और मक्खन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, साथ ही साग में हरी सब्जियां होनी चाहिए। आलू वगैरह जो हम खाते हैं वो तो लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। आलू में क्या होता है? स्टार्च होता है, और स्टार्च की कम से कम जरूरत होती है। और जब हम गेहूं खाते हैं तो गेहूं से हमारे स्टार्च की जरूरत पूरी हो जाती है। इस दुनिया में मक्खन और दूध काफी मात्रा में उपलब्ध है, और इसको कम करना, घटाना यानी कम करना या बढ़ाना, इसका आधार वजन के ऊपर है। अगर किसी व्यक्ति का वजन स्थिर हो जाने तक वह दूध और मक्खन काफी मात्रा में लेता है, और उसे जो दूध मक्खन लिया है वो हजम हो जाता है, हजम होना यानी पाचन हो जाना, तो तब तक वह मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते रहे तो कोई हर्ज नहीं, कोई नुकसान नहीं। यह बात गांधी जी यहाँ बता रहे हैं। आओ बच्चों आगे का पाठ पढ़ते हैं। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश फेंकना नहीं चाहिए। देखो अब गांधी जी आगे सब्जियों के बारे में बताते हैं कि कौन सी सब्जियां हमें खानी चाहिए। तरकारी यानी सब्जी, तो सब्जी में लौकी, और लौकी के साथ साथ फूल गोभी, पत्ता गोभी, या बिना बीज की ये जो सेम है, या बैंगन, ऐसी सारी सब्जियां हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी सब्जियां हैं, और इनकी गिनती अच्छी सब्जियों में की जाती है। वैसे ही हम जब गेहूं का आटा छानते हैं तो छानने के बाद जो बाकी अंश बचा रहता है उसे चोकर कहा जाता है। तो यह चोकर को फेंकना नहीं है, क्योंकि यह चोकर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गेहूं का आटा चोकर मिला होना चाहिए, क्योंकि देखो हम जब गेहूं बाजार से लाते हैं तो उसे बिल्कुल साफ करते हैं, उसमें कोई कंकर है या कोई कचरा है, घास फूस है, तो उसे निकाल देते हैं, बिल्कुल उसे साफ करते हैं,
उसके बाद उसे पीसते हैं, तो इस तरह साफ किए हुए पीसे गए गेहूं का कोई भी अंश फेंकना नहीं चाहिए। कुछ लोग चोकर को फेंक देते हैं। आप भी अपने घर में जरूर ये ध्यान देना, अगर आपकी माता जी चोकर को फेंक देती हैं तो उन्हें भी यह बात बता देना कि चोकर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसे फेंका मत करो। तो इस तरह सब्जियों और गेहूं के आटे के बारे में गांधी जी यहाँ बता रहे हैं। आओ आगे भी देखते हैं। फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अन्नास लेने योग्य हैं। अब आगे गांधी जी कौन से फल खाने चाहिए इसके बारे में बताते हैं। कौन से फल खाने चाहिए देखो तो, अंगूर है, मौसम्बी है, संतरा है, अनार है, सेब है, अन्नास है। तो ये सारे फल हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो बच्चों, मैं आज आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। देखो, आप हमेशा बिस्कुट खाना चाहते हैं या कुरकुरे जैसे पदार्थ खाने चाहते हैं, तो उसके बजाय आप अगर ये फल खाएंगे तो ये बिल्कुल आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ जो पैसे आप अनाप शनाप खाना खाने में बर्बाद करते हैं, उन पैसों से आप सेहत के लिए जो अच्छी चीज है यानी फल है या भुने हुए सेंग चना है, इस तरह के चीजें अगर खाएंगे तो आपकी सेहत भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आजकल देखा जाए तो ये जो कोरोना महामारी चल रही है, ये महामारी आने के बाद हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, उसे अच्छा होना चाहिए, तभी हम किसी भी रोग का सामना कर सकते हैं। तो इस तरह के ताजे ताजे फल हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं, तो बिस्कुट या कुरकुरे या पिज्जा ऐसे पदार्थ खाने के बजाय हमें इस तरह के फल खाने चाहिए जिससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। तो बच्चों, ध्यान में रखना, आगे से कोई भी अनाप शनाप चीजें मत खाना, अच्छी चीजें खाना, फल खाना, और ये बात आप भी सभी को बताना है। तो आइए आगे का पार्ट भी देखते हैं। आओ स्वास्थ्य संपदा के बारे में आगे भी जानकारी दी है, पढ़ते हैं। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं, उससे मालूम होता है कि एक साथ ही बहुत सी चीजें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है, इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। तो देखो, यहाँ गांधी जी अब उदाहरण सहित बता रहे हैं कि अमेरिका में जो प्रयोग हो रहा है, उस प्रयोग से यह मालूम होता है कि हमें एक साथ अनेक चीजें नहीं खानी चाहिए, एक साथ नहीं मिला देनी चाहिए। फल को तो अकेला ही खाना चाहिए। अकेला फल खाने से उसके गुण बढ़ते हैं और भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ। तो भूखे पेट, सुबह जब हम भूखे पेट होते हैं तो सबसे पहले फल खाना, यही बात सर्वश्रेष्ठ है। इसी के ऊपर पर आधारित अंग्रेजी में एक कहावत भी है, सुबह का फल सोना है और दोपहर का फल खाना चांदी समान है। तो सोने का गुण, सोने की कीमत तो चांदी से ज्यादा होती है ना, इसीलिए सुबह सुबह फल खाना अच्छी बात है। दोपहर में भी आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आपका पहला खाना फल हो
तो वह आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब देखो, जो हम पदार्थ खाते हैं उसका हमारे शरीर पर क्या परिणाम होता है। अगर बहुत सारी चीजें या विरुद्ध अन्न जिसे कहते हैं, ऐसी चीजें हम एक साथ ही खाएं तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है? आइए कुछ चित्रों के माध्यम से जान लेते हैं। देखो तो, यहाँ दूध और मछली, ये दो पदार्थ जिसे विरुद्ध अन्न कहा जाता है, अगर एक साथ हम इसे खाएंगे तो जिसे कोढ़ कहते हैं, ऐसे शरीर पर सफेद निशान हो जाते हैं। तो इस तरह दूध दूध के साथ मछली जैसे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। उसी तरह दूध और फल एक साथ नहीं खाने चाहिए। ककड़ी और टमाटर एक साथ नहीं खाने चाहिए। और भी कुछ सब्जियां एक साथ नहीं खानी चाहिए। तो यह बात जान लेनी चाहिए हमें। और जब हम हमारे सामने जो खाना आता है उसे गौर से देखें, अगर कोई विरुद्ध चीज है तो उन्हें एक साथ नहीं खाना चाहिए। यह बात ध्यान में रखनी है। आओ गांधी जी अब आगे क्या कहते हैं देखते हैं। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं, तुमको 2400 घंटे खुली हवा में रहने की इजाजत मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। तो देखो, अब खाना, फल खाना या क्या खाना क्या नहीं खाना, इसके बाद गांधी जी आगे सेहत के लिए कौन सी चीजें अच्छी है, कौन सी बातें अच्छी है यह बता रहे हैं। तो सुबह सुबह गर्म पानी पीना यह सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम उठने के बाद, मुंह धोने के बाद अगर गर्म पानी पीते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई नुकसान नहीं, बल्कि वह हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और 2400 घंटे अगर हमें खुली हवा में रहने की इजाजत मिल सकती है, इजाजत यानी अनुमति, तो जरूर हमें ऐसे खुली हवा में रहना चाहिए। और इसी खुली हवा में अगर रोज हम व्यायाम करें या प्राणायाम करें तो वह हमारे सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो देखो, गांधी जी ने यहाँ गर्म पानी पीना चाहिए, खुली हवा में रहना चाहिए और अच्छी सेहत के लिए प्राणायाम या व्यायाम करना चाहिए यह बातें बताई है। तो आगे भी देखते हैं। आओ आगे पाठ पढ़ते हैं। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। 2400 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, वहां जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे। तो देखो, यहाँ गांधी जी जमनालाल को बता रहे हैं कि रात के वक्त क्या करना चाहिए। हमें गले तक कंबल अच्छी तरह ओढ़ लेना चाहिए, साथ ही साथ हमारे कान तथा सिर जो है कपड़े से लपेट लेना चाहिए। इस तरह शरीर को लपेट लेने से कोई हानि नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है और हमें 2400 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है यानी बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे घर के जो दरवाजे खिड़कियां होती है वह सुबह होते ही खोल देनी चाहिए, खुली हवा अंदर आने देनी चाहिए। और भी एक बात बताई है कि अगर
सुबह की जो कोमल धूप होती है वह अगर सहन हो सके तो शरीर को इस धूप में, इस खुली हवा में जितना हम खुला रख सकते हैं उतना रखना चाहिए। ये जो सुबह की कोमल धूप होती है इसमें जाने से, इसमें खड़े रहने से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जिनको संभव है उन्होंने जरूर सुबह की इस कोमल धूप में खड़ा रहना चाहिए और उस वक्त हमारा शरीर जितना हम खुला रख सकते हैं रखना चाहिए ताकि उस धूप को हम ले सके। तो इस तरह गांधी जी ने जितनी जानकारी जमुना लाल को देनी है अच्छी सेहत के लिए, स्वास्थ्य संपदा के लिए दे दी है। अब वह अपने इस पत्र को पूरा कर रहे हैं। देखो बच्चों, हम जब भी किसी को पत्र लिखते हैं तो पत्र के आखिर में जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके परिवार के सदस्य को हम उनके उम्र के हिसाब से या तो नमस्कार करते हैं, बड़े हैं तो नमस्कार करते हैं, छोटे हैं तो उन्हें आशीर्वाद देते हैं, और जो सदस्य है उनके बारे में भी हालचाल पूछ लेते हैं। तो गांधी जी भी यहाँ इस पत्र के आखिर में माधव जी की जो बात है बता रहे हैं कि उनकी गाड़ी तो ठीक चल रही है, गाड़ी ठीक चल रही है इसका मतलब उनका जो आयुष्य है अच्छी तरह बिता रहे हैं। और अब जमनालाल के साथ जो साथी रहते हैं और जो आगे आकर उनसे मिलने वाले हैं उन सभी को गांधी जी क्या कहते हैं, हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे। गांधी जी उम्र में सबसे बड़े हैं तो सभी को क्या दे रहे हैं, यथा योग्य यानी यथोचित या मुनासिब ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। और गांधी जी यहाँ अपना पत्र पूरा करते हैं। पत्र पूरा होने के बाद यहाँ हम हस्ताक्षर करते हैं और इस तरह यह पत्र गांधी जी ने जमनालाल को लिखा है। इस पत्र के द्वारा गांधी जी ने जमनालाल को स्वास्थ्य संपदा पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या छोड़ देना चाहिए यह बात बहुत ही सरल शब्दों में बताई है। यही बात बच्चों आप भी ध्यान में रखना और अपनी स्वास्थ्य संपदा अच्छी बनाने के लिए जो गांधी जी ने हमें बताया है उस राह पर हमें चलना है। तो जरूर आगे देखेंगे स्वास्थ्य संपदा के बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं। आज जो पाठ आपने पढ़ा है उस पाठ को दो बार घर में पढ़ लेना है। तो बच्चों आज हमने स्वास्थ्य संपदा इस पाठ को पढ़ा है। इस पाठ के द्वारा हमने यह जान लिया है कि अच्छी सेहत के लिए हमें फल खाने चाहिए, हरी भरी सब्जियां खानी चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, दूध और मक्खन की मात्रा बढ़ानी चाहिए और साथ ही साथ व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, हमारे सेहत के लिए जो अच्छा है वह करना चाहिए, जो अच्छा नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। तो आज हमने पाठ के द्वारा ये सारी जानकारी ले ली है। इस पाठ के अंतर्गत और अंत में जो स्वाध्याय दिए गए हैं उनको अगले वीडियो में जरूर पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्वास्थ्य संपदा इस पाठ के स्वाध्याय के साथ। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।